वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। सो NIS से वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। प्रोजेक्ट ऑफ वैकेंसी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, बट ये प्रोजेक्ट है जो वो एक्सटेंड होता रहेगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। मल्टीपल क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल हो रहे हैं, MSW, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ साइंसेस, MBA, देन ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट है एंड 12 पास के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी स्टेट कवर कर रहा है, तो आप लोग देख लो वीडियो के लास्ट तक। वैकेंसी को देखने के लिए आपको कॉन्टेक्चुअल पोस्ट में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF नहीं, पहले ये पेज आएगा, करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पेज आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, अप्लाई हेयर क्लिक करने से अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको नोटिस एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। एंड लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी 2024 है, ठीक है। लास्ट डेट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 27 जनवरी। एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया कि 21 डेज पहले आपको अप्लाई करना है जिस दिन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो लास्ट डेट जो 27 जनवरी। अभी नोटिस डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो PDF मिल जाएगा। इस PDF को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट तक आप लोग देख लेना, ठीक है। सो ये जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट के लिए है, प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस में है। कॉन्टेक्ट जो है एक्सटेंड होता रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टेट कंसल्टेंट के लिए 35,000 सैलरी रहेगा पर मंथ। 8 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 1 इन ईच स्टेट। कौन सा स्टेट है? असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इन सभी स्टेट में एक एक पोस्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 16,000 सैलरी, 7 नंबर ऑफ पोस्ट है। ईच स्टेट के लिए एक एक पोस्ट है। तो असम, गुजरात, जम्मू, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड नोएडा हेडक्वार्टर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। एक एक है सभी स्टेट के लिए। सेक्रेटरी स्टेट के लिए 15,000 सैलरी होगा, 1 पोस्ट है, नोएडा में हेडक्वार्टर में जॉब रहेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। 21 डेज के पहले आपको अप्लाई करना है जिस दिन न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो बेसिकली 27 जनवरी आपका लास्ट डेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर 12 पास तक के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो स्टेट कंसल्टेंट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क और तो हेल्थ साइंस और पब्लिक हेल्थ या तो MBA। इन कभी किसी में से भी किसी में एक में अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स का, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट लेवल, NGOs, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर से होगा तो होगा। हेल्थ सेक्टर से होने से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट होने से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे नहीं बोला गया, बिलो 62 ईयर्स होना है, ठीक है। तो सीनियर लोग भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, मीन्स सीनियर मीन्स एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टेट में करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा, ग्रेजुएट इन विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना चाहिए। तो डिप्लोमा चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ या तो 1 ईयर का, देन ग्रेजुएट होना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। 35 ईयर्स उसका एज लिमिट है, ठीक है। देन सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी था जो 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो तो आपको इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये पोस्ट जो है कॉन्टैक्ट बेसिस में बट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो है एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। एंड अप्लाई का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी आपको फीस भी चाहिए अप्लाई करने के लिए, 250 एंड 50 रुपीज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस में फीस रहेगा। PW के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। एंड कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल एड्रेस से। साथ में अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन ईमेल थ्रू ईमेल ही बुलाया जाएगा, कोई अदर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो आपको ईमेल चेक करना होगा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल ही किया जाएगा एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, अगर इंटरेस्टेड हो एंड आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना एंड सोशल लॉग वाले जितना भी फ्रेंड्स है आपको उन सभी से शेयर कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे मैक्सिमम मैं जो वीडियो बनाता हूँ ऑलमोस्ट सभी वीडियो सोशल वर्क स्टूडेंट को फोकस करके बनाया जाता है। तो आप सोशल वर्क वाले जितने भी हो MSW, BSW, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि आपको आप